खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद के पकड़ी थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में खेत में धान की बहन की रोपाई करने के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक 42 वर्षीय महिला की मौत हो गई और महिला सहित 14 युवतियां गंभीर रूप से झुलस गईं। वहीं 13 युवतियां सहित एक महिला भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलस गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रत्सर ले गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं झुलसी युवतियों को डॉक्टरों गंभीर स्थिति देखते हुए जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। जी कुछ बोलेंगे जी डॉक्टर साहब, अभी क्या स्थिति है, कैसे ये मरीज थे, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि आज दिनांक 2/7/2022 को आकाशीय बिजली गिरने के कारण 15 लोग घायल हुए, जिसमें से एक लोग की मौत हो गई, जिसका नाम कोतला है। पत्नी दुकानती 42 साल उम्र है, फीमेल, जो कि मृत अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रत्सर पर लाई गई और यहाँ देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया और 14 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया। इसमें कितने लोग गंभीर हैं सर? अभी 15 लोग, 14 लोग गंभीर अवस्था में हैं, ठीक है, जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रिफर किया गया। क्या बताया जा रहा है? आकाशीय बिजली गिरने के कारण घायल हुए हैं वो लोग, जितने मरीज हैं वो लोग सारे लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से घायल हुए हैं।